मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं साफ साफ, सेक्शन 14 के बारे में जो बोलता है फाइव हेड्स ऑफ इनकम। ये फाइव हेड्स ऑफ इनकम कौन कौन से हैं? सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जिसके बारे में मैंने पहले भी आपको समराइज किया हुआ है लास्ट सेशंस में, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। विच वन? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। दीज आर फाइव हेड्स ऑफ इनकम। फाइव हेड्स, 1, 2, 3, 4, 5, पांच सिर। 10 सिर होते तो रावण होता, ये रावण का आधा है। फाइव हेड्स ऑफ इनकम। सैलरी, हो सकता है आप किसी के यहां जॉब करते हो, सीए बन के क्या करोगे? हमड़ करोगे। सीएस बन के क्या करोगे? सीएमए बन के क्या करोगे? हमड़ करेंगे, हमड़ करेंगे। तो सैलरी लेंगे सर, जॉब करेंगे कहीं ना कहीं। योर फर्स्ट रिप्लाई वुड बी अ जॉब। द मैक्स ऑफ यू विल टेल दैट सर आई विल स्टार्ट टू सर्च अ जॉब एंड इफ आई विल कंप्लीट माई सी ए सी एस और सी एम ए द कंपनीज और कंसर्न्स विल स्टार्ट टू सर्च मी। आया ना, होगा, गूगल बन जाओगे आप। सैलरी, दूसरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। या तो आप तनख्वाह पा के कमाते हो, सैलरी लेकर कमाते हो, और या फिर आप अपने घर को किराए पर दे देते हो और आप वहां से कमाते हो। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। कुछ लोग अपना बिजनेस करते हैं, क्या करोगे? सीए बनके, सीएस बनके, सीएमए बनके, सर मैं तो अपनी ऑफिस खोलूंगा, प्रोफेशन स्टार्ट करूंगा। यस, यू कैन डू सो। नाउ द इनकम विच यू विल गेट विल चार्ज टू टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। Either you'll get job or you'll be self-employed or you'll start to let out your house. Okay? कुछ लोग कहते हैं सर मैं अपनी जमीन जायदाद बेच करके ऐश करूंगा, कैपिटल गेन। कैपिटल गेन, आपके पास जो प्रॉपर्टीज होती हैं, when you will sell them, you'll earn capital gain. And the last one, कोई इनकम जो इन चार हेड्स में कवर्ड ना हो, वो इनकम कवर होगी बचे खुचे हेड ऑफ इनकम में। इसको कभी कभी हम रेजिड्यूरी हेड ऑफ इनकम भी बोलते हैं, रेजिड्यूरी हेड ऑफ इनकम, यानी बची खुची चीजें। जितनी भी कोई भी ऐसी इनकम जो सैलरी ना हो, हाउस प्रॉपर्टी ना हो, पीजीबीपी मैंने शॉर्ट फॉर्म यूज किया, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेज, तो जो फर्स्ट फोर में फॉल ना करे, दैट वुड बी चार्ज टू टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, अन्य स्रोतों से आए। सर ये पांच हेड्स ऑफ इनकम हो सकते हैं, इज देयर एनी सिक्स हेड ऑफ इनकम? नॉट एट ऑल। आप इन चार में जो नहीं होगी वो पांचवें में आएगी। सर कोई एग्जाम्पल दीजिए, अगर आप हॉर्स रेसिंग से कुछ कमाते हैं तो कहां जाएगा? पक्की बात है सर, अदर सोर्सेज में। अगर आप लॉटरी से कमाते हैं कहां जाएगा? अगर आप बैंक के इंटरेस्ट से कमाते हैं कहां जाएगा? अगर आप डायरेक्टर हैं किसी कंपनी में तो आप इंप्लॉय तो हुए नहीं, आपको मिलने वाली सैलरी कहां जाएगी? कई तरह की इनकम्स हैं जो इन चार में नहीं जाएंगी, बट दोज इनकम विल फॉल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो सर ये सिस्टमेटिक है या इसमें कुछ नीचे ऊपर किया जा सकता है? जैसे मैंने आपसे बोला
कि टेल मी द फाइव हेड्स ऑफ इनकम, नाउ यू आर जस्ट गोइंग टू स्टार्ट लाइक दैट, सर कैपिटल गेन पीजीबीपी अदर सोर्सेज, दिस इज नॉट द वे टू टेल द आंसर, दिस इज द सिस्टम, दिस इज द वे, एंड ऑल दीज हेड्स ऑफ इनकम वी हैव टू डू द स्टडी ऑफ ऑल दीज थिंग्स लाइन बाय लाइन. First of all, we'll start today's salary head of income. After the completion of salary head, we'll start to complete our income from house property. After that, PGBP. After that, capital gain. And the last one is your other sources. Is it clear? If we'll start to jump from one head to another head of income randomly, our concept will never be cleared at all. कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से हमको कन्फ्यूजन्स होंगी ही होंगी. तो बेटर टू डू ऑल दीज थिंग्स सिस्टमैटिकली. ओके, हटा दें? जी सर, बिल्कुल हटा दीजिए. मैंने आपको बताया देर इज अ सेक्शन 14 which says that there are five heads of income: salary, house property, PGBP, capital gain, and other sources. And how to learn the section number 1+4=5 heads of income. Is it clear? ऐसे ही याद हो गया. एक section और है, section 14A. Before starting our salary head of income, we should try to know about this section also. क्या है इस section में? मैं आपके सामने एक केस रखता हूं. आपने लोन लिया 1 लाख रुपए का, एंड दिस इज योर बैलेंस शीट. इस लोन में से आपने इन्वेस्ट कर दिया 12% बॉन्ड 50,000 एंड 10% टैक्स फ्री बॉन्ड 50,000. नाउ यू डिड द इन्वेस्टमेंट लाइक दैट एंड दिस इज योर पीएल अकाउंट. नाउ व्हाट विल यू डू? 10% का लोन भी है. आप यहां इनकम दिखाएंगे एज एट द रेट ऑफ 12% एंड दैट वुड कम ₹6,000. 10% इनकम विल बी अर्न ऑन ₹50,000. यस सर. नाउ द इनकम वुड बी ₹5,000. नाउ यू आर नीडेड टू मेक द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट अगेंस्ट लोन and the rate of interest was 10% on 1 lakh, that would come ₹10,000. Now tell me, the total income is 11,000 and net profit is ₹1,000. Yes or no? सही है या गलत? अरे सर गलत है, गलत है, गलत है. कैसे गलत है? ये तो आपका टैक्स फ्री है ना, इस पर तो टैक्स नहीं लगेगा ना. हमने पीएल बनाया है, इसको अदर वे मत लीजिएगा, अकाउंट्स में मत चले जाइएगा. हम आपको कल समझाने के लिए ये सिस्टम यूज कर रहे हैं, अदरवाइज दिस इज नॉट अ वे टू मेक यू अंडरस्टैंड. ओके, ओनली फॉर मेकिंग यू अंडरस्टैंड आई हैव ट्राइड टू यूज दिस वन चार्ट. समझे ढंग से. ये हमारा टैक्स फ्री बॉन्ड था, तो वॉट एवर द इनकम विल बी अर्न ऑन दैट टैक्स फ्री बॉन्ड विल बी टैक्स फ्री, मीन्स नो एनी टैक्स वुड बी इम्पोज्ड ऑन दैट. यस सर. नाउ आर टोटल इनकम वुड बिकम 6,000. यस और नो? यस सर. एंड द टोटल इंटरेस्ट एक्सपेंसेस इज ₹10,000. वेयर इज द प्रॉफिट? वी हैव अ लॉस ऑफ ₹4,000. टोटल इज 10,000. Yes, sir. Expenses side is 10,000, which is greater than the income side. Now, this is your loss. 4,000. 6,000, 5,000 तो माफ हुआ हुआ, 4,000 का loss भी आ गया. Sir, ये तो सरासर नाइंसाफी है. कैसे नाइंसाफी है? जरा उसके बारे में बताइए सर. मैं आपसे एक इसी चीज को थोड़े दूसरे तरीके से बोलकर रखता हूं.
दिस इज योर पीएल अकाउंट एंड इनकम 12% ऑन 50,000. नाउ दिस इज द टैक्सेबल वन एंड 10% ऑन रुपीज 50,000. सर आप यहां रख क्यों रहे हैं जब ये माफ है, हटा दीजिए. ओके, एक्सपेंसेस 10% ऑन रुपीज 50,000, नहीं सर 1,00,000. ओके, 10% ऑन रेस्ट ऑफ रुपीज 50,000. आपने कहा सर ये इनकम टैक्सेबल नहीं है, ये इनकम टैक्सेबल नहीं है, हटाइए. अरे इंसानों, अगर हम इसको हटा रहे हैं लेकिन इसका खर्चा तो आप अलाउ कर ले रहे हो, ये अलाउड नहीं होना चाहिए था. अगर इनकम टैक्सेबल नहीं है तो एक्सपेंसेस क्यों आप अलाउ कर रहे हैं? जब आपके पीएल अकाउंट से कोई इनकम हट रही है तो इस इनकम को कमाने के लिए जो खर्च किया गया है उसको भी हटाइए ना सर जी. आप नहीं तो ये तो गलत बात बोल रहे हैं. चलिए मैंने आपकी बात मानी और मैंने 2 मिनट के लिए इस 5,000 को हटा दिया. नाउ योर आंसर वुड बी रुपीज 1,000 एज अ प्रॉफिट. नाउ टेल मी क्लियरली विच वन पीएल इज ओके. पीएल मीन्स नेट प्रॉफिट इज ओके. Whether it should be shown at rupees 4,000 of loss or it should be shown at rupees 1,000 of the profit. Yes. आपका जवाब होगा ये नहीं सर, ये नहीं सर, ये confused. मैं आपको बताऊं, you are okay with this one format. This is not a proper format. जब इनकम ही टैक्सेबल नहीं है तो खर्चा काहे का? कैसा खर्चा जब इनकम ही टैक्सेबल नहीं है? तो लोग कुछ इस तरह से हिसाब किताब मेंटेन करते थे. और आपको आश्चर्य होगा जब सेक्शन 14A नहीं था तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस को फॉलो करते थे. और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था इसका डिसीजन देते हुए कि दिस वन फॉर्मेट इज ओके सर. सुप्रीम कोर्ट को क्या सोचने समझने का तरीका नहीं मालूम? अरे अरे जरा ढंग से सुने. जब लॉ साइलेंट हो जाता है, यानी एक्ट जब साइलेंट हो जाता है, या किसी चीज के बारे में ड्यूअल सेंटेंसेस या ड्यूअल मीनिंग ड्रॉ होते हैं, या जहां पर एक्ट में डिस्प्यूट हो, तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट, कोर्ट केसेस होते हैं, कैसे होते हैं बाद में बताते हैं. सुप्रीम कोर्ट डिसीजन देता है या हाई कोर्ट डिसीजन देता है. और जब सुप्रीम कोर्ट एक बार डिसीजन दे देता है, डिसीजन दे देता है, तो वो लॉ बन जाता है. और सुप्रीम कोर्ट हर जगह डिसीजन नहीं देता, क्वेश्चन ऑफ लॉ पर डिसीजन देता है. दो तरह के क्वेश्चन अराइज होते हैं, क्वेश्चन ऑफ लॉ, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एंड सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ. फिलहाल हम आपको ज्यादा टिपिकल या टेक्निकल लैंग्वेज में नहीं ले जाएंगे, हम इन चीजों को किनारे करते हैं. सुप्रीम कोर्ट केवल और केवल क्वेश्चन ऑफ लॉ के बेसिस पर डिसीजन देता है, ना कि ऑन द बेसिस ऑफ द क्वेश्चन ऑफ फैक्ट. सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ भी रहेगा तब भी आपका डिसीजन मिलेगा, लेकिन अभी चूंकि आप लोग ये सब नहीं जानते तो इसको हम किनारे करते हैं. केवल इतना समझ लीजिए, जब लॉ किसी पर्टिकुलर पॉइंट को कवर ना करे, पर्टिकुलर किसी पॉइंट पर डिस्प्यूट हो, या पर्टिकुलर कोई पॉइंट ड्यूअल मीनिंग ड्रॉ करता हो, तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट अपना डिसीजन देता है. और सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन देता है वो इस बेसिस पर देता है व्हाट वाज द इंटेंशन ऑफ द लॉ. मेन थिंग इज दैट अगर मीनिंग क्लियर ना हो, उसका इंटेंशन क्लियर ना हो, तो एक्ट का क्या इंटेंशन है. यहां पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसा ही किया और सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया इन फेवर ऑफ द एसएससी और एसएससी को कहा जा जा एसएससी जा, तेरा लॉस आ गया 4,000, जा तू ऐश कर. क्योंकि जहां साइलेंट होगा एक्ट, जहां साइलेंट होगा लॉ, वहां पर एसएससी के बेनिफिट के लिए ये एक्ट बनाया गया है, तो हम उसको उसका बेनिफिट देंगे. और जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने इनकम टैक्स ऑफिसर से पूछा क्या ये एक बिजनेस है एसएससी का इन्वेस्टमेंट करना. इनकम टैक्स ऑफिसर ने कहा जी हुजूर, ये पूरा एक ही बिजनेस है उसका.
क्या ये पूरा कंट्रोल इसी एसएससी के थ्रू होता है? हाँ हुजूर, ये सारा का सारा बिजनेस एक ही एसएससी कंट्रोल भी करता है। तो क्या लोन लेते समय वो ये सोच करके लेता है इसमें से कितना पैसा हम टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल में लगाएंगे? नॉन नहीं हुजूर, ऐसा कुछ नहीं होता। वो लोन लेता है और उसको इन्वेस्ट करता है मार्केट में ताकि वहां से मैक्सिमम बेनिफिट किया जा सके। तो क्या ये बिजनेस को बढ़ाने के लिए खर्चा किया गया है? बिल्कुल हुजूर, कंट्रोल एक हाथ में, नाम बिजनेस का वही है, बुक्स ऑफ अकाउंट सेम है, बुक्स ऑफ अकाउंट भी दोनों की अलग अलग नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा जब सारी चीजें एक जैसी हैं, एक ही बंदे से कंट्रोल होती हैं, एक ही बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन होता है, तो आपको ये लॉस उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जबकि एक्चुअल में इनकम टैक्स एक्ट का ये इंटेंशन नहीं था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने चूंकि कह दिया, लॉ नहीं प्रोवाइड कर रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया, तो वो रूल बन गया। अब अगर वो रूलिंग बन गई तो अब हर किसी को इसको फॉलो करना है। इस रूलिंग को काटने के लिए या सुपरसीड करने के लिए पार्लियामेंट में अमेंडमेंट आते हैं, और उस अमेंडमेंट में एक अमेंडमेंट किया गया सेक्शन 14A का, और उस सेक्शन में रखा गया इफ एनी इनकम इज एग्जेम्प्ट, बिकॉज द मेन इंटेंशन ऑफ द एक्ट वॉज नॉट द सेम वॉट द डिसीजन हैज बीन गिवन और सर्व्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। Now the intention of the act made clear with having the inserting the section 14A. And what was section 14A? It clearly says now, after amending the things, after supersede of the this decision. अब ये decision supersede कर दिया section 14A. और इस section 14A ने साफ साफ बोला, if any income is exempt from tax, if any income is exempt from tax, then the related expenditures, if any income is exempt from tax, then the related expenditures are disallowed. These expenditures are not allowed in any circumstances if the related income is exempt. Now, expenditures are not allowed. Here, the expenditure of rupees 5,000 are allowed. And after allowing of rupees this one 5,000 which has been incurred for the purpose of earning of a taxable income of rupees 6,000, this 5,000 is allowable. While in the second case, for the purpose of earning of rupees this one 5,000 which is exempt one, rupees 5,000 interest expenditure has been incurred, and this expenditure has been incurred for the purpose of earning of rupees non-taxable income. That's why this expenditure is not allowable at all. जिस तरह ये income हट गई, उस तरह से इसका खर्चा भी हटा दो। बचा कितना? 1,000. Now this is the situation. अगर इसको one line बोला जाए, अगर आप लिखना चाहें तो लिख लें. If any income is exempt from tax. If any income is exempt from tax, then the related expenditures are disallowed. If any income is exempt from tax, then the related expenditures are disallowed. पक्का? जी सर। अब हम बात करेंगे सेक्शन 15 की, जो स्टार्टिंग सेक्शन है सैलरी हेड का। लेकिन मैं फिर बोल दूं कि सैलरी हेड में कूदने से पहले हम दो सेक्शंस ऑलरेडी देख चुके हैं। सेक्शन 14, दे आर फाइव हेड्स ऑफ इनकम, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेज। सेक्शन 14A, इफ एनी इनकम इज एग्जेम्प्ट देन द रिलेटेड एक्सपेंडिचर्स आर डिसअलाउड। नाउ सेक्शन 15, बट बिफोर गोइंग अहेड with section 15, we have to understand some basic points regarding salary. वो basic points क्या हैं salary के, जिनके बारे में हमें जानना जरूरी है। अगर हम salary की बात करते हैं तो एक चीज याद रखेंगे, there must be a relationship between two person as a employer and employee. If there is a relationship between two person as a employer and employee, the amount
व्हाटएवर द अमाउंट इज रिसीव्ड बाय एम्प्लॉई फ्रॉम देयर एम्प्लॉयर विल बी चार्ज टू टैक्स इन द हैंड्स ऑफ द एम्प्लॉई एज अ सैलरी। मैं फिर से बोलता हूं, अगर दो लोगों के बीच में रिश्ता हो, ये रिश्ता क्या कहलाता है एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई का, अगर दो लोगों के बीच में कोई ऐसा रिश्ता हो जिसमें एक एम्प्लॉयर कहलाता है और दूसरा एम्प्लॉई कहलाता है, तो एम्प्लॉई को अपने एम्प्लॉयर से मिलने वाला सारा फायदा सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा। तो एम्प्लॉई को अपने एम्प्लॉयर से मिलने वाला सारा फायदा या अमाउंट विल बी चार्ज टू टैक्स अंडर द हेड सैलरी। क्लियर? पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है, देयर मस्ट बी अ रिलेशनशिप बिटवीन टू पर्सन एज एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई फॉर द पर्पस ऑफ चार्जिंग टू टैक्स अंडर द हेड सैलरी। इररेलीवेंट है, क्या इररेलीवेंट है? इररेलीवेंट है फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट है या पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट है, फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट है या पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट है, फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट और पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट। फुल टाइम हो या पार्ट टाइम हो, इररेलीवेंट है कितने भी लोगों के यहां नौकरी कर लो। हो सकता है मैं दिन भर में पांच पार्ट टाइम जॉब है, फिक्स है, उसके यहां 10 से 12, दूसरे के यहां 12 से 2, तीसरे के यहां 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, ये काम करता हूं मैं, 5 किश्तों में करता हूं। हाँ भाई, हो सकता है पांचों पार्ट टाइम हो, इररेलीवेंट फैक्टर है। पहली चीज तो ये कि एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का रिलेशनशिप जी, एम्प्लॉय है फुल टाइम है या पार्ट टाइम, मारो गोली किसको, किसी को नहीं। एम्प्लॉय फुल टाइम है या पार्ट टाइम, कोई फर्क नहीं पड़ता, मारो गोली। और इररेलीवेंट है नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट्स, आप कितने लोगों के यहां जॉब करते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। इज इट क्लियर? पक्का हो गया? अब अगर हम आपसे बोलें कि एक डायरेक्टर है, यानी एक कंपनी होगी तभी तो डायरेक्टर होगा, एक कंपनी है और उसका एक डायरेक्टर है, यह डायरेक्टर इस कंपनी से सैलरी पाता है। नाउ टेल मी वेदर दिस सैलरी वुड बी चार्ज टू टैक्स अंडर द हेड सैलरी और अदर सोर्सेज, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। सर अभी थोड़ी देर पहले आपने जब पढ़ा रहे थे ना, तो आपने बोला था अदर सोर्सेज में जाएगा, बैक में जाकर रिमाइंड करके देखें तो आपको समझ में आएगा। मैंने थोड़ी देर पहले आपको जब पढ़ाया था पांचवा हेड्स ऑफ इनकम, पांचवा जो हेड ऑफ इनकम मैंने आपको बताया था इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, उसमें मैंने शायद ये बात बोल दी। आपका जवाब होगा सर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ये इसको कहते हैं बेस्ट ऑफ लक। नहीं नहीं, ठेंगा भी बोलते हैं, वो तो अंग्रेजों के लिए बेस्ट ऑफ लक होता है, हम लोग के लिए तो ठेंगा होता है। कोई बड़ा विदेशी आदमी आता है उसको हम लोग कहते हैं ये ले, तो उसको लगता है हम लोग बेस्ट ऑफ लक बोल रहे हैं, लेकिन हम लोग क्या बोल रहे होते हैं, बेस्ट ऑफ लक। तो फिलहाल कंपनी है, ये डायरेक्टर है, कंपनी से डायरेक्टर को सैलरी जा रही है। अब प्रॉब्लम ये है, सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में? सर प्रॉब्लम तो है, आपने ठेंगा दिखा दिया, इसका मतलब कुछ ना कुछ झोल है। कोई भी डायरेक्टर हो सकता है एम्प्लॉई हो सकता है एम्प्लॉई ना हो। अगर आपको यह चेक करना है कि वेदर अ डायरेक्टर इज अ एम्प्लॉई ऑफ द कंपनी और नॉट, फॉर द पर्पज ऑफ दिस चेकिंग We have to check the letter of appointment. कि इस डायरेक्टर के साथ जो लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट था, जो अपॉइंटमेंट की टर्म्स एंड कंडीशन थी, उनको हमें रेड करना पड़ेगा।
और जब हम उन कंडीशंस को देखेंगे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा ये डायरेक्टर सुबह 10 बजे आता है, 5 बजे जाने का टाइम लिखा हुआ है, इसको किसी भी कीमत पर 9 बजे हाजिरी दे देनी है और शाम को 6 बजे जाना है, इसका ये 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 जिम्मेदारी रहेगा, इसका और कोई काम नहीं रहेगा, और महीने में इसको 20,000 रुपये, 25,000 रुपये या 50,000 रुपये तनख्वाह दी जाएगी। इट मीन्स द डायरेक्टर इज वर्किंग लाइक एन एम्प्लॉय। लेकिन अगर दूसरा डायरेक्टर कंपनी में कब आएगा, कब जाएगा, कितना अमाउंट ड्रॉ करेगा, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, मीन्स बिल्कुल डिफरेंट है। नाउ आफ्टर सीइंग ऑल दोज कंडीशंस वी आर अनेबल टू से दैट ही इज एन एम्प्लॉय, देन इन दैट केस ही विल बी ट्रीटेड एज अ नॉन एम्प्लॉय केस। एंड वंस ही विल फॉल अंडर द नॉन एम्प्लॉय केस, the amount received from the company will be charged to tax under the head income from other sources because he is not an employee. Agar wo employee nahi hai to usko milne wala amount company se kahan chala jayega, other sources mein, aur agar wo employee fix ho jata hai to usko milne wala amount kahan chala jayega, salary mein. Dono mein farak samajh mein aaya? Bilkul sir, kahin koi dikkat? No sir. सेक्शन 14 हम लोगों ने देखा, दे आर 5 हेड्स ऑफ इनकम, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेज। सेक्शन 14A हम लोगों ने देखा, इफ एनी इनकम इज एग्जम्प्ट देन द रिलेटेड एक्सपेंडिचर्स आर डिसअलाउड। सेक्शन 15 अब हम लोग देखने जा रहे हैं, दैट इज योर चार्जिंग सेक्शन। एंड दिस इज द फर्स्ट सेक्शन ऑफ दिस वन, हेड ऑफ इनकम, चार्जिंग सेक्शन। चार्जिंग सेक्शन जिससे ये चैप्टर चार्ज हो रहा है, एक बार मोबाइल चार्ज हो गई तो घंटों चलती रहेगी, एक बार ये सेक्शन चार्ज हो गया तो पूरा चैप्टर चलता रहेगा, बिना इस सेक्शन को पढ़े हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। ये चार्जिंग सेक्शन क्या बोलता है जरा ढंग से सुनेंगे। पहला पॉइंट, सैलरी वुड बी चार्जेबल टू टैक्स ऑन ड्यू बेसिस ऑन रिसीट बेसिस विच एवर इज अर्लियर and arrear of salary but subject to section 89(1). सर इसका क्या मतलब है? ये तीनों हमारी समझ के परे हैं। अगर हम बात करें सैलरी के टैक्सेबिलिटी की, आई एम एन एम्प्लॉय, आई एम जस्ट गोइंग टू गेट द अमाउंट ऑफ सैलरी, गोइंग टू गेट, I didn't receive it. The amount of salary has been due, but I didn't get it actually. Employer will give me it too after some days. तो क्या करें? Tax लगा दें? अगर मुझे मेरे employer ने January की salary जो due हो चुकी है वो मुझे March में दे रहा है तो मेरा टैक्स कब लगेगा? जनवरी में या मार्च में? सर ड्यू हो गया या रिसीट, जो दोनों में से पहले हो। ड्यू हो गया जनवरी में, लेकिन जनवरी की सैलरी मुझे मिल कब रही है? मार्च में। तो टैक्स कब लगेगा? सर जो दोनों में से पहले हो ड्यू। इसका मतलब मेरे हाथ में कुछ आया नहीं, लेकिन गवर्नमेंट हमसे टैक्स ले लेगी। हां बिल्कुल टैक्स ले लेगी। मेरे हाथ में कुछ आया नहीं जनवरी में, लेकिन गवर्नमेंट ने हमसे टैक्स ले लिया उसको चार्जेबल करके। ओके, इसका उल्टा देखते हैं। मुझे मेरे एम्प्लॉयर ने जनवरी में जनवरी की तो सैलरी दी ही दी, फरवरी की भी सैलरी दे दी, मार्च की भी सैलरी हमको जनवरी में ही दे दी और अप्रैल की भी सैलरी मुझे
जनवरी में ही दे दी। नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू गेट द अमाउंट ऑफ सैलरी एडवांस ऑफ नेक्स्ट 3 मंथ्स। टेल मी, ओके, अगर ये सैलरी इधर टैक्स लग जाता है, इधर लग जाता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगले साल वाली सैलरी पर भी इसी साल टैक्स लग जाएगा? जी हाँ जी, ये सैलरी भले फरवरी में ड्यू होगी, ये सैलरी मार्च में ड्यू होगी, ये अप्रैल में ड्यू होगी, बावजूद इसके रिसीट हो गया ना, सैलरी आपको मिल गई ना, भले ड्यू बाद में होगा कोई फर्क नहीं पड़ता, रिसीट हो गया ना, जो दोनों में से पहले हो, ड्यू और रिसीट, विच एवर इज अर्लियर, ड्यू और रिसीट, विच एवर इज अर्लियर। मेरी सैलरी ड्यू हो गई, मैं अब मालिक के पास जा करके बोल सकता हूं मुझे मेरी सैलरी दो, मालिक भले बाद में दे, लेकिन आज चूंकि वो ड्यू हो गई है उस पर टैक्स लग जाएगा। मैं मालिक के पास गया, मैंने कहा मुझे 4 महीने की सैलरी चाहिए, एक तो इस महीने की 3 एडवांस चाहिए, तो जो एडवांस मुझे इस महीने मिल जाएगा, ड्यू भले बाद में होगा लेकिन रिसीट बेसिस पर उस पर टैक्स तुरंत लग जाएगा। ओके, तो ड्यू और रिसीट, विच एवर इज अर्लियर, ड्यू और रिसीट, विच एवर इज अर्लियर। अच्छा, इस बात को फिर से एक नए तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अब मैं करने जा रहा हूं, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। थर्टीन फोर्टीन, दीज आर द प्रीवियस ईयर्स, 14 15 15 16, 16-17 एंड 17-18। हुआ ये कि सैलरी जो मेरी ड्यू थी वो थी 3 लैक्स, 3,50,000, 3,60,000, 3 लैख, मान लेते हैं 4 लैख एंड 3,50,000, और हमें रिसीट कितना कितना अमाउंट हुआ है सैलरी के नाम से, 280, 340, 4 लैख, 320, 260 एंड 3,50,000, मान ले। अब हमें यह बताना है किस पर टैक्स लगेगा, टैक्स ऑन किस वैल्यू पर टैक्स लगेगा। ढंग से सुनेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुझे इस साल मिलना कितना चाहिए था? सर आपको मिलना चाहिए था 3 लाख, मिला कितना? 280। अगर मुझे इस साल 280 मिला, इसका मतलब इस साल वाला 20,000 मुझे कब मिलेगा? इसका मतलब इस साल का जो 20,000 मुझे नहीं मिला, जो मिलना चाहिए था, वो मुझे कब मिलेगा? सर वो तो बट ऑब्वियस है, अगले साल मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगले साल जो मुझे मिली सैलरी वो 3,20,000 होगी, 20,000 तो इस साल की होगी। हाँ सर बिल्कुल सही बात है। मुझे मिलना कितना चाहिए था? 3,50। मुझे मिला कितना? 3,20,000। अब 3,40 ना बोलकर मैं बोलूंगा 3,20,000। 3,50 के बदले मिला कितना? 3,20। 3,50 के बदले मिला कितना? 3,20। ये नहीं समझ में आया, यहां समझ में आएगा। 3,50 के बदले मिला कितना? 3,20। 20,000 नहीं मिला? नहीं मिला, मिलेगा ना? हाँ, कब? अगले साल। तो इसका मतलब ये 20,000 मुझे अगले साल मिला होगा। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग 4 लाख, आई विल टेल इट 3,80,000। मुझे मिलना कितना चाहिए था? 3,60। मुझे मिल कितना गया? 3,80। कितना ज्यादा मिल गया? 20,000। क्या वो तुम्हें अगले साल मिलेगा? नहीं सर। क्या वो अगले साल ड्यू होगा? हाँ। तो अगर एक बार कोई सैलरी रिसीट बेसिस पर टैक्स लग गया है, तो क्या अगले साल उस पर ड्यू बेसिस पर टैक्स लगेगा क्या? नहीं। मुझे मिलना कितना चाहिए था? 3,60। मुझे मिल कितना गया? 3,80। ज्यादा कितना मिला? 20,000। क्या वो मुझे अगले साल मिलेगा? नहीं सर। क्या वो मेरा अगले साल ड्यू होगा? हाँ सर। तो इसका मतलब
अब अगले बार ड्यू बेसिस पर टैक्स मत लगा देना। अगर एक बार रिसीट बेसिस पर टैक्स लग चुका है तो अगली बार ड्यू बेसिस पर टैक्स नहीं लगेगा। अगर एक बार ड्यू बेसिस पर टैक्स लग चुका है तो अगली बार रिसीट बेसिस पर टैक्स नहीं लगेगा। इज इट क्लियर? एक इनकम केवल एक बार टैक्सेबल होगी, डबल टैक्सेशन अवॉइड किया जाएगा। एक इनकम केवल एक बार टैक्स लगाया जाएगा, दो बार टैक्स नहीं लगाया जाएगा। मैं फिर से यहां से कहानी आपको बताता हूं। कितने मिलने थे? 3 लाख। मिले कितने? 280। ड्यू बेसिस पर टैक्स लग गया, इसका मतलब रिसीट तो होगा 20,000। कब? अगले साल। तो अगले साल जो रिसीट हुआ उसमें से इस बार वाला हटा दो, क्योंकि ऑलरेडी उस पर टैक्स लग गया। बचा कितना? 320। ड्यू कितना था? 350। रिसीट कितना है? 320। कितना कम मिला? 20,000। अब ये 20,000 जो कम मिला है वो कब मिलेगा? अगले साल। क्या उस पर टैक्स लग चुका है? हाँ। किस बेसिस पर? ड्यू बेसिस पर। ड्यू और रिसीट विच वर इज अर्लियर, तो ड्यू बेसिस पर लग चुका, तो अब रिसीट बेसिस पर टैक्स नहीं लगेगा। मुझे मिलना कितना चाहिए था? 360। मिला कितना? 380। कितना ज्यादा मिल गया? 20,000। रिसीट बेसिस पर टैक्स लग जाएगा? हाँ सर। तो अगर रिसीट बेसिस पर इस बार टैक्स लग गया तो सेम अमाउंट पर अगली बार ड्यू बेसिस पर टैक्स ना लगा देना, ड्यू वाला कम कर देना। तो इसलिए मैंने कम कर दिया 20,000। इज इट ओके? जी। अब मुझे मिलना कितना चाहिए था? 280। मुझे मिल कितना गया? 320। ज्यादा मिल गया? हाँ सर। कितना ज्यादा? 40,000। तो 40,000 ज्यादा मिल गया? हाँ सर। तो इस बार ज्यादा वाले पर टैक्स लगा दो, अगली बार वो ड्यू होगा तो ड्यू बेसिस पर टैक्स ना लगाना। तो 40,000 माइनस कर देना। अब कितना मिलना चाहिए था? 360। मिला कितना? 260। 1,00,000 कम मिला। मिलेगा कब? अगले साल। तो ये मिला होगा कब? अगले साल। 1,00,000 माइनस कर देंगे। अब वापस आए। जी सर, मैं फिर से बोलता हूं टैक्स कितने पर लगेगा, अब उसकी बात करेंगे। अब जो माइनस वाला है वो हटा देंगे। कितना मिलना चाहिए था? 3,00,000। मिला कितना? 280। तो ड्यू और रिसीट विच एवर इज अर्लियर, 3,00,000। मिलना कितना चाहिए था? 350। मिला कितना? 320। कितने पर टैक्स लग जाएगा? 350। मिलना कितना चाहिए था? 360। मिला कितना? 380। किस पर टैक्स लग जाएगा? 380, जो दोनों में से पहले हो। मिलना कितना चाहिए था? 280। मिला कितना? 320। टैक्स कितने पर लग जाएगा? 320, विच एवर इज अर्लियर। मिलना कितना चाहिए था? 360। मिला कितना? 260। टैक्स किस पर लग जाएगा? 360। मिलना कितना चाहिए था? 350। मिला कितना? 250। टैक्स कितने पर लग जाएगा? 350। हाँ या ना? पक्की बात है सर, ये आपका हिसाब किताब कुछ ऐसे बनेगा। एक चीज याद रखेंगे, जो अमाउंट एक बार ड्यू बेसिस पर टैक्स लग गया, अगले साल उसको रिसीट बेसिस पर नहीं लगाना है। इस साल अगर रिसीट बेसिस पर लग गया तो अगली बार ड्यू बेसिस पर नहीं लगाना। इज इट क्लियर? पक्का? हाँ, हटा सकते हैं। जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, प्रूफ करना चाहें ऐसे प्रूफ कर सकते हैं। 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 4, 17, 3, 20, 21,10,000, 21,60,000 ड्यू है और रिसीट कितना है? 3, 2, 5, 4, 9, 3, 12, 13, 14, 3, 17, 18, 30, 18, 70 और 19, 50। कितने पर टैक्स लग जाना चाहिए टोटल देखा जाए तो? 21,60,000 पे ड्यू बेसिस पर, जो दोनों में से पहले हो। 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 3, 15, 3, 18, 19, 10, 19, 30, 20, 10, 20, 60। ये देखें, हमने ज्यादा नहीं जोड़ दिया। अठारह दस उन्नीस बीस साठ। मैंने ये गलत लिखा था, मैच कर गया ना? मैच कर जाएगा आपका, ये 20-60 आ रहा होगा। कैलकुलेटर आ
आदत गंदी हो गई है ना। ठीक है 20-60। ठीक, दिस इज योर आंसर, अपने आप मैच कर गया। ड्यू और रिसीट, विच एवर इज अर्लियर, दोनों में से अर्लियर कौन है? ड्यू, लग चुका टैक्स। हम लोग बिल्कुल सही किए, हटा सकते हैं जी। सर ये तीसरा सॉरी ये थर्ड पॉइंट क्या है? एरियर ऑफ सैलरी बट सब्जेक्ट टू सेक्शन 89(1). हमको सैलरी ड्यू हुई, हमको सैलरी रिसीट हुई, ड्यू हुई रिसीट हुई, रिसीट हुई ड्यू हुई, रिसीट हुई ड्यू हुई, ड्यू हुई रिसीट हुई, ये होता गया होता गया। हमारी अपने मालिक के साथ लड़ाई हो गई 2012 में, मेरा उसके साथ डिस्प्यूट हो गया। मैंने कहा मालिक तूने कहा था कि सैलरी बढ़ा करके दूंगा 5,000 रुपए, आज तक तूने बढ़ाया नहीं, और कब बढ़ाएगा? आज तो समय आ गया है बढ़ाने का। उसने कहा नहीं बढ़ाऊंगा। मैंने उसके खिलाफ कोर्ट केस कर दिया। क्या कर दिया? पक्का? जी सर। अब कोर्ट केस तो कोर्ट में फाइनल होगा, फाइनल हुआ ये 2017 में आफ्टर 5 ईयर्स, और कोर्ट ने मेरे मालिक को कहा कि इसको 2000 पर मंथ के हिसाब से एक साल का 24,000 और 5 साल का 1,20,000 इसको दे दो, तुरंत दो। तूने धोखा किया इसके साथ, इसको तूने 1,20,000 कम दिया, आगे से 2,000 बढ़ा कर देना, लेकिन 2012 से 2017 तक का भी इसको पैसा दो। अब ये वो पैसा था जो कभी ड्यू नहीं हुआ, जिसके कारण मुझे रिसीट नहीं हुआ, मालिक ने कभी ड्यू नहीं किया और मैंने रिसीट नहीं किया। अब कोर्ट ने आदेश किया अचानक 1,20,000 आया, किस लिए आया ये 1,20,000? क्यों आया? मालिक ने क्यों दिया? क्योंकि कोर्ट ने डिसीजन दिया था इसलिए ना। कोर्ट ने डिसीजन दिया इसलिए दिया, लेकिन वो मेरा मालिक है, एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉय के रिलेशनशिप में व्हाट एवर द अमाउंट विल बी रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉय फ्रॉम एम्प्लॉयर विल बी चार्ज टू टैक्स अंडर द हेड सैलरी। जी सर। तो ये 1,20,000 कहां टैक्सेबल होगा? सैलरी में। क्या कभी ड्यू हुआ? नहीं सर, अचानक रिसीट हो गया, ड्यू हुआ ही नहीं, तो कब टैक्स लगा दे? क्योंकि इसके लिए विच एवर इज अर्लियर वाला प्रोविजन नहीं था, और ये एरियर ऑफ सैलरी था, एक लमसम अमाउंट मिल रहा था, इसके लिए एक अलग पॉइंट डाला गया, एरियर ऑफ सैलरी को भी टैक्स लगाना चाहिए। सैलरी हेड में टैक्स लगेगा, लेकिन सेक्शन 89(1) को ध्यान में रखते हुए, जो कि कहलाता है रिबेट एंड रिलीफ। इज इट क्लियर? आपको तीन चीजें याद रखनी है। सबसे पहले सेक्शन 14 दिया, 5 heads ऑफ इनकम, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेज। सेक्शन 15 में मैंने जो बताया, 14A, इफ एनी इनकम इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स एंड द रिलेटेड एक्सपेंडिचर्स आर डिसअलाउड। सेक्शन 15 मैंने बताया, चार्जिंग सेक्शन, सैलरी वुड बी चार्जेबल टू टैक्स इधर ऑन द बेसिस ऑफ ड्यू और ऑन द बेसिस ऑफ रिसीट विच एवर इज अर्लियर एंड एरियर ऑफ सैलरी बट सब्जेक्ट टू सेक्शन 89(1). दैट्स इट। क्लियर है? नेक्स्ट सेशन में हम लोग जब आएंगे तो हम लोग स्टडी करेंगे सेक्शन 16। क्या करेंगे? सेक्शन 16 और सेक्शन 17 का स्टार्टिंग कर देंगे आपका, 16(1), 16(2) एंड 16(3). ये तीनों बोले जाते हैं डिडक्शंस। क्या बोले जाते हैं? स्टैंडर्ड डिडक्शन एंटरटेनमेंट अलाउंसेस एंड प्रोफेशनल और एम्प्लॉयमेंट टैक्स। ये तीन तरह के हमारे पाए जाते हैं डिडक्शंस, सेक्शन 16(1), सेक्शन 16(2), सेक्शन 16(3). वर्ड आता है, सर आपने सेक्शन 16(1) ऐसे लिखा होता, 16(1) ऐसे लिखा होता, 16A भी लिख सकते थे इसको,
16-1 ऐसे लिख सकते थे, आपकी ये सारी बातें गलत हैं। अगर आपने ऐसा कुछ कर दिया तो आपको उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन पर मिलेगा 0। जी ध्यान देंगे, जब ये 1-2-3 है तो यही 1-2-3 रहेगा, जब ये 1-2-3 तो यही 1-2-3, जब इस तरह से तो इस तरह से, इस तरह से तो इस तरह से। आप अपने हिसाब से सेक्शंस और लॉ को रीडिफाइन नहीं कर सकते।